फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स देखिए, हम सभी लोगों के पास मोबाइल है और इस मोबाइल का हम लोग रिचार्ज कहाँ से करते हैं? फोन पे से करते हैं, गूगल पे से करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि अगर फोन पे गूगल पे से हम लोग रिचार्ज करते हैं तो उसमें आपको एक पैसा का भी कमीशन नहीं मिलता है और जितना अमाउंट होता है उतना ही अमाउंट आपको पे करना होता है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो स्पॉन्सर नहीं है। फ्रेंड्स देखिए, मैं यूज़ करता हूँ तो सोचा कि आपको भी बता दो ताकि आपको भी कुछ कमीशन मिले जब आप रिसर्च करो। तो वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको सिंपली प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और प्ले स्टोर ओपन करके सर्च बार में आपको टाइप करना है इजी पेमेंट। तो फ्रेंड्स देखिए, इजी पेमेंट टाइप करके आप सर्च कर दीजिए। तो सर्च करते ही इस टाइप का एक एप्लीकेशन शो हो जाएगा, तो इंस्टॉल कर लीजिए। तो इंस्टॉल होने के बाद फिर आप ओपन कर लीजिए। तो ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको इस टाइप से दिखेगा, तो नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिए। तो नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको गेट स्टार्टेड इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है। फिर आपका मोबाइल नंबर इधर एंटर करके फिर नेक्स्ट कर दीजिए। तो नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको इस तरीके से शो हो जाएगा। आपका नाम देना है, मोबाइल नंबर ऑलरेडी रहेगा, ईमेल आईडी देना है तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। फिर आपको एक कोई भी पासवर्ड बना लेना है, सिंपल सा पासवर्ड बनाइए। फिर रजिस्टर का ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। फिर आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी के एंटर करके फिर वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करते ही आपका जो अकाउंट है हो जाएगा। फिर आपको एक एम पिन सेट करना है, जो ट्रांजेक्शन पिन होगा जब आप रिसर्च करेंगे तो उस टाइम आपको इस पिन को टाइप करना होगा। तो एम पिन बनाने के बाद आपको इस तरीके से शो हो जाएगा। फिर आप देख सकते हो कमीशन चार्ट, तो कमीशन चार्ट में जाके आप देख सकते हो कहाँ आपको कितना कमीशन मिलने वाला है। तो एयरटेल में आपको 2.20% आपको कमीशन मिलेगा, बीएसएनएल में आपको 4.50% मिलेगा, फिर बीआई में देख सकते हो कि 3.40% मिलेगा, जियो में आपको 2.00% आपको मिलेगा। फिर बिल पेमेंट्स भी कर सकते हो, जैसे कि आपको फास्टैग का रिचार्ज, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर कोई भी मतलब बिल हो, गैस का बिल हो, मतलब आप बिल का भी पेमेंट कर सकते हो, उसमें भी आपको कमीशन मिलने वाला है। फिर इधर आप देख सकते हो रिफर एंड अर्न का भी ऑप्शन दिया गया है, तो अगर आपको रिफर करना है तो कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई अच्छा फैसिलिटीज नहीं है तो भी आप अगर करना चाहते हो कर सकते हो। जो अमाउंट आपको मिलेगा उससे आप रिसर्च वगैरह करके उसको यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं इसमें कैसे आपको बैलेंस ऐड करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें ऑप्शन दिया गया है ऐड बैलेंस, तो इसमें क्लिक करना है। फिर ऑनलाइन डिपॉजिट इस ऑप्शन को आप चूज़ कर लीजिएगा। तो इस ऑप्शन को चूज़ करने के बाद फिर आपको इस टाइप से शो होगा दो ऑप्शन, तो कोई भी एक ऑप्शन आप चूज़ कर लीजिए। UPI से पेमेंट आप कर सकते हो, तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन को चूज़ कर लिया। फिर आपको कितना अमाउंट इसमें ऐड करना है, तो फ्रेंड्स देखिए मैं एयरटेल में रिचार्ज करने वाला हूँ तो 250 रुपीस में इधर ऐड कर रहा हूँ। फिर पे का ऑप्शन में क्लिक कर देना है, तो पे का ऑप्शन में क्लिक करते इस टाइप से जो भी आपका पेमेंट एप्लीकेशन है, जैसे कि फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, जो भी है जिससे आप पेमेंट करना चाहते हो, तो सिंपली आप उस एप्लीकेशन को चूज़ कर लीजिए। चूज़ करने के बाद फिर आपका पे के ऑप्शन में क्लिक कीजिए। पे के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपका पिन कोड डालिए, तो पिन कोड डालने के बाद आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो बैलेंस है, यानी मैंने 250 रुपीज़ किया तो ऐड हो चुका है, तो अभी मैं रिसर्च कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, रिसर्च करने के लिए मैं जाऊँगा प्रीपेड का ऑप्शन में। प्रीपेड ऑप्शन में जाने के बाद फिर जो भी मोबाइल नंबर पर रिसर्च करना है तो उस नंबर को टाइप करने के बाद आपका ऑपरेटर कौन सा है, कौन सा सर्कल का है, वो सब शो हो जाएगा। फिर आपको कितना रुपीज़ का करना है रिसर्च, तो आप डायरेक्ट भी रिसर्च कर सकते हो और आपको बियो प्लान में जाके आप प्लान भी देख सकते हो कि आपका नंबर में कौन सा प्लान मतलब सही है, उस हिसाब से आपको दिखाएगा। तो मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ 239 रुपीज़ का, तो 239 रुपीज़ में इधर टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद फिर जो सबमिट का ऑप्शन है इसमें क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद जो एम पिन हम लोगों ने सेट किया था उस एम पिन को इधर एंटर करके फिर कॉन्फर्म कर देना है। तो कॉन्फर्म करने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होके जो रिसर्च है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड और रिसर्च कंप्लीट हो चुका है। तो रिसर्च कंप्लीट होने के बाद आपको दिखाएगा कि कितना आपका कमीशन मिला है, कितना रिसर्च था, तो सब कुछ डिटेल्स में आपको दिखाता है। तो फ्रेंड्स मैं ओके कर देता हूँ। तो ओके करने के बाद देखिए इसमें डिटेल्स दिया गया है कि कितना मेरा ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना कमीशन मिला है। तो कमीशन में आप देख सकते हो 5.20
258 रुपीस मुझे कमीशन मिला है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर मैं डायरेक्ट फ़ोन पे से करता या गूगल पे से करता तो मुझे एक रुपीस का भी मतलब कमीशन नहीं मिलता, जितना अमाउंट था उतना ही मुझे पे करना पड़ता। लेकिन अभी कितना मिला, 5 रुपीस का कमीशन मिल चुका है। तो इस हिसाब से अगर ज़्यादा रिसर्च करूँगा तो इस हिसाब से कमीशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, एक भी रुपीस कमीशन नहीं मिलने से अच्छा है कि आपको कुछ कमीशन मिले। अगर 2-3 रिसर्च महीना में हो जाएगा तो उस जितना भी कमीशन मिलेगा उस कमीशन से आप कोई भी डेटा पैक का रिसर्च कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ही आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो और आप कमीशन ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन का जो डायरेक्ट लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसमें क्लिक करके आप डायरेक्ट उस एप्लीकेशन में जाइए और अगर आपको यूज़ करना है तो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।